नेक्स्ट टॉपिक में हमने दो स्लिट्स का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। उसमें हमने पहला फॉर्मूला क्या किया था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का किया, हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का किया, और हमने ये फॉर्मूला अभी करना है। ये जो फॉर्मूला है इसके लिए काम करना पड़ेगा आपको, जो लास्ट टाइम शीट दी थी उसमें एक टॉपिक है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, चेक कर सकते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस है जिसमें एम्पलीट्यूड ए और बी दोनों बराबर होते हैं। मतलब जहां डार्कनेस होगी वहां पूरी डार्कनेस है, क्योंकि ए और बी एम्पलीट्यूड बराबर है, क्रेस्ट और ट्रफ आपस में कैंसिल कर जाएंगे, और जहां क्रेस्ट और क्रेस्ट एक दूसरे पे गिरेंगे तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा 2a। इसे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बोलते हैं, जो टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होता और डार्कनेस का पॉइंट ही रहता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, आई रिजल्टेंट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का ये फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी का स्क्वायर कट गया, ए और बी बराबर कर दिया, बराबर करके आपके पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई, इस टर्म से 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, और 1 प्लस कॉस 5 मैथ्स में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, और आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको समझना है कि ये है क्या चीज़। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिया, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको देखो, ये फॉर्मूले का मतलब ये है, इसको चाहो तो आई आर पुट कर दो, आई आर का मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब दो वेव्स को मिलाने के बाद इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो स्लिट्स हैं और दो स्लिट्स में जो वेव आ रही है इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, तो यहां पर जो लाइट आएगी इस पॉइंट पर वहां पर इंटेंसिटी रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होगा, और फाई का मतलब है दोनों वेव का फेज का डिफरेंस। क्लियर है यहां तक? लेकिन इमेजिन करो एक मिनट के लिए, मैं आपको सेम क्वेश्चन पूछता हूं और यही पॉइंट है फिर से एक बार, ये रहा, और फिर से वही दो सेम वेव्स हैं जो यहां और यहां हैं। इस बार मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इस वेव की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर, और इसकी इंटेंसिटी भी आई नॉट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड तो ए स्क्वायर है, इंटेंसिटी भी आई नॉट है। तो आपके पास यहां पर ए स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 टाइम्स ए स्क्वायर की जगह क्या पुट करें, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो प्लीज अपनी इस कॉपी में ठीक कर दूंगा मैं, आप ये नोट कर लें, फिर आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, आई नॉट इंटेंसिटी है पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 है। इसे नोट कर लें, मैं वो करेक्शन कर दूंगा वहां पर क्या किया हुआ है, समझा भी दूंगा जब हम करेंगे आगे, ये नोट कर लें बस, मतलब इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा बस, नीचे वाला रहने दें, ये नोट कर लें 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, बस कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर की जगह आई नॉट पुट किया है बस, तो क्या बनेगा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, वेयर आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव। ठीक है यहां तक? तो आप यहां से ना से यहां से देख ले चाहे तो इसमें एक चीज देखें, तो जब हम ये अभी कर रहे थे तो इसमें इन फॉर्मूलाज के अंदर देखो, आई होप ये फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है, अगर आई वन आई टू आई नॉट है तो ये फॉर्मूला क्लियर है 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो पहला न्यूमेरिकल है, टू प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव्स प्रोपगेटिंग इन सेम डायरेक्शन विद एम्पलीट्यूड ए एंड 2a, तो एम्पलीट्यूड कितना है ए और 2a है, और फेज डिफरेंस फाई कितना है 5/3 सुपर इम्पोज होते हैं, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो एक एम्पलीट्यूड ए है दूसरा एम्पलीट्यूड 2a है और फाई की वैल्यू कितनी है 5/3, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वल है, तो एक का एम्पलीट्यूड ए है एक का 2a और फाई की वैल्यू कितनी है 5/3, आंसर
समझ में आ रहा है रिजल्ट? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा? पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन है दो सोर्सेज हैं, इंटेंसिटी आई नॉट, आई नॉट नहीं है, आई और फोर आई है, डिफरेंट है। फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट्स वेयर वेव्स फ्रॉम टू सोर्स सुपर इम्पोज विद अ फेज डिफरेंस ऑफ जीरो, फाई की वैल्यू जीरो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। देखो अब आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, फोर आई नॉट वाला नहीं लगाना चाहिए। वो फॉर्मूला तब लगता है जब इंटेंसिटी इंडिविजुअल आई नॉट है बराबर है। जब बराबर नहीं है तो ये फॉर्मूला लगना चाहिए, पहली इंटेंसिटी कितनी है आई है और दूसरी इंटेंसिटी कितनी है फोर आई है। आई वन की जगह आई है, आई टू की जगह फोर आई, आई वन की जगह आई, आई टू की जगह फोर आई, सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई। पहला केस है जब फाई की वैल्यू कितनी है जीरो, तो तुम यहाँ पर फाई को जीरो पुट कर दो आंसर। दूसरा केस है जब फाई की वैल्यू कितनी है पाई बाई टू, तो तुम यहाँ पर फाई की जगह पाई बाई टू आंसर। तीसरा केस है जब फाई की जगह कितनी है पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन आंसर। कुछ भी नहीं करना फिर, तो फाई चेंज करते जाओ आंसर आते जाएंगे। पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब इंटेंसिटी डिफरेंट है तो फॉर्मूला ये लगेगा, और अगर सेम है फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई टू लगेगा। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, YDSE। ठीक है, YDSE, आपके CBSE वाले भी फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, YDSE लिखेंगे, तो मत भूलना, पता लगेगा आपको कि यार मेरे को तो करवाया ही नहीं है YDSE। हो चुका है मेरे साथ ऐसा किसी साल में, बच्चा कहते आपने YDSE नहीं करवाया, मेरे भाई पूरे चैप्टर का नाम ही YDSE है, तो वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है ये। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। तो क्या कह रहे हैं, इंटेंसिटी कितनी है के, जब पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा। वो कह रहे हैं इंटेंसिटी निकालो जहां पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय फोर। इसको थोड़ा प्रॉपरली करते हैं, देखो वो कह रहे हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू कह रहे कितनी लेनी है, के यूनिट्स गिवन है। कब? जब पाथ डिफरेंस कितने चेक करेंगे पाई, नहीं सॉरी पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, यही है चेक करो पाथ डिफरेंस लैम्डा। लैम्डा का मतलब फेज डिफरेंस बोलो कितना है, टू पाई, लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू टू पाई, सही है। अब इसने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि इंटेंसिटी इंडिविजुअल वेव की सेम लेनी है या डिफरेंट लेनी है, उसने कहा ही नहीं आई वन आई टू लेनी है। जब उसने मेंशन नहीं किया, मेंशन किया सेम नहीं किया, तो फिर मैं सेम लेके चलूंगा, और जिसमें डिफरेंट होती है फिर इसमें डिफरेंट गिवन होता है आई और फोर आई, आई और फाइव आई। तो जब इंटेंसिटी एज्यूम कर रहा हूँ कि इंटेंसिटी आई वन एंड आई टू बराबर लेके चलूंगा आई नॉट, हाँ अब मैं रिजल्टेंट का शॉर्टकट अप्लाई कर सकता हूँ, फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। क्लियर है? जब इंटेंसिटी सेम है फिर तो लग सकता है ये। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको कितनी गिवन है, के यूनिट्स, फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर, फाइव कितना है टू पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, टू से टू क्या हो गया कैंसल, k इज इक्वल टू फोर आई नॉट। बोलो मैथ्स में cos pi क्या होता है, माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर इज वन, तो यही आ गया फोर आई नॉट। अब आई नॉट मैंने एज्यूम किया है, गिवन थोड़ी ना था, तो इसका रिजल्टेंट क्या है, k यूनिट्स है। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि मुझे क्या निकाल के दो, फर्स्ट पार्ट में रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल के दो, कब, जब पाथ डिफरेंस चेक करना, ए पार्ट में कितने है? लैम्डा बाय फोर। तो बोलो फेज डिफरेंस कितना है, टू पाई बाय फोर, कितना आ गया
पाई बाई टू, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर, पाई बाई टू को 2 से डिवाइड कर दें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर, पाई बाय 4 कर दें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 45 क्या है, 1 बाय रूट टू का स्क्वायर कर दें, तो आंसर कितना आएगा 2I0, सही है। पर प्रॉब्लम ये है कि आई नॉट तो मैंने खुद एज्यूम किया था, मेरे को तो क्वेश्चन में के गिवन था, तो ऐसा करो आई नॉट को के की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, के बाय 4, तो रिप्लेस कर दो एंड में, 2 into k by 4 कितना आ गया, k by 2 इज द आंसर, आंसर k by 2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई नॉट की फॉर्म में नहीं छोड़ना, k की फॉर्म में आंसर इज k by 4। जैसे अगला पार्ट है, अगले पार्ट में फिर से रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, बोलो पाथ डिफरेंस कितना है, कितना λ/3, तो फेज डिफरेंस कितना है 2π/3, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है 4I0 cos square 2π/3/2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 4I0 cos square 2 से 2 कट गया कितना π/3, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 4I0 cos square 60 कितना होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर इज 4, तो सिर्फ और सिर्फ क्या गया I0, लेकिन I0 क्या है k/4, तो आंसर क्या आएगा k/4, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है कि एंड में k/4 की फॉर्म में आंसर कैसे आएगा, सही है। बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मेथड क्लियर है यहां तक, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में नेक्स्ट नहीं करना, इसकी थ्योरी हमने करनी है, तो जब थ्योरी करेंगे इसके बाद ही करेंगे, रुक जाओ यहाँ पे। इसके अनसॉल्व प्रॉब्लम आपने करनी है सारी, ये सारा आपका होमवर्क है, ये 6 क्वेश्चंस, ये भी आपने ट्राई करना है, तो ये आप ट्राई करके नेक्स्ट टाइम आएंगे।